आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री माटी कला योजना के बारे में। ये कौन सी योजना है, कैसी है और आवेदन कैसे करना है, वो सब जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आगे भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, ठीक है, दिया जाएगा लाभ, किसको लाभ दिया जाएगा, किसको नहीं, कहाँ भी नहीं मुझे, वो सब जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, देखिए अंत तक। जिला ग्राम्य उद्योग अधिकारी जिला माटी कला अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिट्टी से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना संचालित की जा रही है। माटी कला को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है, जिसमें कार्यशील पूंजीमंद की धनराशि को छोड़कर 25% तक की धनराशि लाभार्थियों को मार्जिन मनी के रूप में अनुदान स्वरूप प्राप्त होगी। 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अभ्यर्थी कारीगर जो माटी कला उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, वे अपने आवेदन पत्र एवं मूल प्रपत्रों तथा छाया प्रति के साथ कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 119 ए सिविल लाइन प्रतापगढ़ में जमा कर दें ताकि उद्योग की स्थापना हेतु चयन संबंधी कार्रवाई पूर्ण की जा सके। तो ये तो न्यूज मैंने आपको बता दी है प्रतापगढ़ के बारे में, लेकिन आप ये ना समझे कि केवल प्रतापगढ़ के लिए ही ये योजना है। प्रतापगढ़ के लिए ही नहीं, यूपी के सभी जिलों के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और अगर आप प्रतापगढ़ के हैं तो ग्रामोद्योग कार्यालय पर जा कर के अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको ले जा कर के जमा कीजिए, ठीक है। और अगर आप प्रतापगढ़ के नहीं हैं तो भी आप अपने ज़िले स्तर पर, जैसे आपको कोई भी ज़िला लगता हो, ज़िले स्तर पर ग्रामोद्योग कार्यालय होगा, वहाँ पर जा कर के इसके लिए संपर्क कर लीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। वहाँ से भी आप आवेदन जा कर के कर सकते हैं। बाकी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, आपको कैसा लगा ये जान करके कमेंट करके मैं ज़रूर वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर आप इस योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, दोबारा से हम डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।